छठवीं के बाद 65वीं कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जाम का रिजल्ट किया है। 6 जून को 64वीं का रिजल्ट हमने किया था और अभी 7 तारीख को 7 अक्टूबर को मैंने हम लोगों ने कमीशन में 65वीं का फाइनल रिजल्ट ये किया। 4 महीने के अंतराल में ये रिजल्ट हुआ है। अब हम लोग अपडेटेड हैं, बिल्कुल रेगुलर तरीके से हम परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं और रिजल्ट दे रहे हैं। अब हमारे सामने चैलेंज है 66वीं का लिखित परीक्षा का रिजल्ट करना, 67वीं के पीटी के लिए विज्ञापन हो चुका है और शुरू में 555 सीट के लिए हमने 16 विभिन्न सेवाओं के लिए विज्ञापन हुआ था। उसके बाद अभी 3 सेवाओं के पद और जुड़े हैं। कुल संख्या हो रही है अभी 723 हो रही है। कुल सेवाएं अभी तक जो ये हैं संसूचित हैं ये 19 सेवाएं हैं और विज्ञापन में जैसा हम लोगों ने डाला था कि परीक्षा होने के पूर्व तक सेवाएं आती हैं तो उसको हम शामिल करेंगे। तो कुछ संभावना है कि कुछ सेवाओं में रिक्तियाँ संसूचित हो सकती हैं, अभी श्योर नहीं है लेकिन हो सकती हैं, तो हम उन्हें शामिल करेंगे और फाइनली जितना संख्या होगा कम्युनिकेट करेंगे अखबारों के माध्यम से, साइट पर हमारा इसकी सूचना रहेगी होगा। जहाँ तक परीक्षा की बात है, परीक्षा हम लोग प्रयास करेंगे कि पंचायत चुनाव 15 दिसंबर के बाद समाप्त हो जाएगा तो दिसंबर में या फिर जनवरी 2022 के अर्ली में फर्स्ट हाफ में हम एग्ज़ाम इसका करा लें, क्योंकि पूरे बिहार में इसका सेंटर होता है, 35 जिलों में अभी तक हम लोग लेते आए हैं। तो एक बड़ा काम होता है, बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि सत्र को रेगुलर रखने के लिए इसका एग्ज़ाम हम समय पर करा लें। सीडीपीओ का एग्ज़ाम भी हमारे प्रायोरिटी में है, अब इसके बाद हम लोग उसका एग्ज़ाम कराएंगे, सीडीपीओ का कराएंगे। इस तरह से बहुत सारे एलडीसी हमारे कमीशन में 24 पद के लिए होना है, ये भी प्रायोरिटी में है। तो जैसे ही समय मिलेगा, हमें डेट मिल जाएगा और कोई एग्ज़ाम टैली नहीं करे उस डेट से, तो हम लोग जल्दी से एग्ज़ाम करा करके इसमें आगे बढ़ेंगे। यही है स्थिति। हाँ हाँ, इस बीच में एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जुडिशियल सर्विस हमारे टॉप प्रायोरिटी में हमेशा रहता है। ये हम लोग इसका रिजल्ट दिसंबर में इसी समय करेंगे, मतलब ये अभी हमारे टॉप प्रायोरिटी में है और 66वीं मेंस का रिजल्ट जनवरी में एक्सपेक्टेड है। जनवरी 2022 में इसका रिजल्ट हो जाना चाहिए किसी भी हालत में, यही प्रायोरिटी है। उसके बाद एक नया कैलेंडर हम लोग पंचायत के बाद सोच रहे हैं कि सभी सूचना एकत्रित करके हम लोग नया कैलेंडर निकालेंगे, लड़के उनको उस कैलेंडर को फॉलो करें और अपरिहार्य स्थिति में ही उसको चेंज किया जाएगा, अदरवाइज जो कैलेंडर में रहेगा उसको हम लोग पूरे ढंग से लागू करेंगे।